जी हाँ, राजधानी रांची का वही जगन्नाथ मंदिर जहाँ पर आज जगन्नाथ पूजा मनाया जा रहा है। और जो ये रथ बनाया गया है, ये रथ 40 फीट ऊंचा है और 108 फीट की रस्सी भी बनाई गई है इसको खींचने के लिए। और कम से कम नहीं भी तो 100 लोगों की ज़रूरत, 100 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है इस रथ को खींचने में। और इस रथ में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र बैठकर रथ यात्रा पर निकलेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी चहल पहल है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, पुजारी पूजा करवा रहे हैं। और अभी वही हम पुजारी से भी बात करेंगे और मेरे साथ जो हमारे साथ अभी सहयोगी रिपोर्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और जो पुजारी और जो यहाँ पर आम भक्त है, जनता है, उनसे भी बात करेंगे। आइए, आम भक्त आम जनता से बात करते कि वो यहाँ पर घूम रही है, किस लिए आई है? घूमने के लिए। घूमने के लिए, कितना उत्साहित है? कोरोना के 2 साल बाद आज ये रथ यात्रा निकाला जा रहा है, कितना उत्साहित है? 2 साल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? 2 साल बाद लगा, इसलिए घूमने तो बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लापुंग से आए हैं। लापुंग से यहाँ पर जगन्नाथ पूजा घूमने के लिए आए? जी मैम। तो आइए हम और भी आम भक्तों से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पुजारी पास चलते हैं जो पूजा करवा रहे हैं। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना के बाद से कितना चहल पहल है, और ये पुजारी जो पूजा करवा रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जगन्नाथ पूजा की विधि क्या है, इतिहास क्या है? पूजा के लिए है यार। इतिहास क्या है जगन्नाथ भगवान? भीड़ लगता है। हाँ, भीड़ लगता है। आपको कुछ नहीं पता, आप पूजा करवा रहे हैं? पूजे पाठ में चलता है, हम लोग तो खाते कमाते आदमी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुजारी जो पूजा करवा रहे हैं उनको शायद उतना आइडिया नहीं है, बोल रहे हैं बस कि हम पैसा लेते हैं, पूजा करवाते हैं। बाकी आगे और भी पुजारी हैं, बाबा हैं, बाबा से बात करते हैं कि जगन्नाथ भगवान जी का इतिहास क्या है। जगन्नाथ भगवान का इतिहास जो है, जो पूर्व से, मतलब भूतपूर्व जो है इनका, मतलब जैसे रथ यात्रा का मतलब इनका परंपरा है, ये मौसी बाड़ी में जाके मतलब 7 रोज के लिए मतलब अपना मौसी ही जाके रहते हैं, उसके बाद पुनः फिर यहाँ अपने स्थान पर आते हैं, यही इनका परंपरा है जगन्नाथ धाम का, यही मतलब अति कृतार्थ है। धन्यवाद। हाँ, कोरोना के लिए मतलब 2 साल बंद था, इसीलिए कोरोना के काल में नहीं पट खुला था, इसीलिए कोरोना का बाद 2 साल में भीड़ भाड़ ज़्यादा चल रहा है। अभी मतलब बहुत प्रशासनिक लोग या स्वास्थ्य विभाग जितना भी पदाधिकारी हैं, सब बहुत सेवा अच्छे ढंग से दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद अच्छा, करता हूँ। भगवान जी को, जब जगन्नाथ भगवान जी को कपड़ा बदला जाता है या फिर तैयार किया जाता है, तो पंडित जो होते हैं वो आँख में पट्टा क्यों बांधते? आँख पर पट्टा कहाँ बांधा रहता है? नहीं, वो जगन्नाथ स्वामी के जो मतलब वहाँ अति होता है, उनका श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार होला के बाद जो है कुछ देरी के लिए मौन मतलब वहाँ पट बंद किया जाता है, उसके बाद है जो पुनः पट खोला जाता है, ऐसा होता है। तो जैसा कि आपने देखा, भी हमने पुजारी से बात किया, यहाँ के पुजारी जो थे उनसे बात किया, बाहर का मेले का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। अभी हमारे साथ जीएन भारत की रिपोर्टर मौजूद है, और आइए हम इनसे बात करते हैं, रथ यात्रा क्यों मनाया? देखिए, ऐसे तो मान्यता कई सारी है, बहुत सारी मान्यता है कि क्यों मनाया जाता है, मॉडर्न मान्यता है, कुछ पौराणिक मान्यता है, लेकिन जो सबसे चर्चित है और जो लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ, असल में उनकी बहन जो सुभद्रा थी, उन्होंने ये महत्वाकांक्षा जाहिर की थी कृष्ण से कि मुझे नगर देखना है, नगर भ्रमण करना है, तो इसलिए उन्होंने रथ में बैठा के अपनी बहन और अपने भाई को वो महल से निकले, और उन्होंने अपनी पूरी नगरी जो है द्वारका वो दिखाई थी, और 7 दिन वो रास्ते में मौसी का घर पड़ता है वहाँ पर वो रहे थे। ये पूरी माई इसलिए 10 दिन तक जो है वो पूरा ये सब उत्सव, जिस दिन वो घर से निकले थे तब रथ यात्रा निकाली जाती है, और जो लौट के जब 10वें दिन वापस आते हैं, फाइनली रथ यात्रा को समाप्त किया जाता है। तो इस वजह कि भगवान बाहर निकल के आते हैं, लोगों के बीच 10 दिन रहते हैं, तो ये खुशी में पूरे, आपने देखा होगा ये चीज़ बहुत, बाकी सारे जो पर्व होते हैं हिंदुओं में, चाहे दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दिवाली, ये सब घरों में मनाए जाते हैं, बाकी तीज त्यौहार लोग पर्सनली घर में अगरबत्ती मोमबत्ती जला के करते पर्सनली, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है, बहुत बड़ा हिंदू का त्यौहार है, जो सारे लोग, जितने लोग होते हैं वो मेला में आते हैं, घर पे कुछ नहीं, जो होता है मेले में होता है, जो होता है यहाँ आते हैं, तो ये कलेक्टिविटी, साथ आने का पर्व है, क्योंकि भगवान भी अपना घर छोड़कर बाहर आते हैं,
लोगों से मिलने आते हैं, तो जब वो लोगों से मिलने आते तो लोग भी क्या करते हैं, पूरे घर से निकल कर मेला में आते हैं कि चलो हम भी यथ रात्रा भगवान निकले हैं तो हम भी घर से निकल के साथ में उत्सव मनाएंगे, पर्व मनाएंगे। तो कलेक्टिविटी का पर्व है, जन एक जन जनता का पर्व है ये कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कोरोना के 2 सालों बाद जो ये पर्व हो रहा है और लोग इतने मौजूद है, तो क्या देखने में लोगों में खुशी का माहौल देखने में मिल रहा है? बिल्कुल, अभी जैसा हम अभी विजुअल्स भी जो हम दिखा रहे हैं, इतना भीड़ शायद ही कभी उमड़ा हो। 2 सालों से कोरोना के वजह से जो शटर डाउन था, बिल्कुल इस वजह से जनता बहुत मायूस थे, क्योंकि यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो हमें एक नज़र पड़ी कि ज़्यादातर जो बहुत साधारण परिवार से है, बहुत लोअर तबके के जो लोग हैं, वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए सज सवर के। हम बीच में कन्फ्यूज़ हो गए थे कि शायद ये लोग शादी में तो नहीं जा रहे, फिर हमें लगा नहीं ये रथ यात्रा है, तो आप समझ सकते कि हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोरोना को देखते हुए लोगों को प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन? मैम, हम तो मास्क में आए हैं, बोलने के लिए मास्क उतारे हैं, लेकिन बिल्कुल पर्व त्यौहार जो भी हो हम खुशी से तब मना सकते हैं जब कोरोना गाइडलाइन कोरोना नहीं रहेगा। असल में जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो किसी पर्व त्यौहार को ये मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आत्मा हमारे अंदर ही विराजमान होता है, तो उसे खुश करना ज़्यादा जरूरी है। तो हम जहाँ से देख पा रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का थोड़ी मोड़ी तो धज्जियाँ उड़ रही है, लोग मास्क नहीं पहने, मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि सरकार को बहाने नहीं देना है ये कहने के लिए कि भैया फिर से इस पर पाबंदी लगा दो। जी आपका धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने बात किया हमारी जीएन भारत की रिपोर्टर से, उन्होंने भी आपको काफ़ी कुछ बताया, इतिहास बताया, कोरोना को लेकर के प्रिकॉशंस के बारे भी बताया। अब हम बाहर का नजारा देखने के लिए चलते हैं और बाहर देखते हैं कि आम जनता कैसे घूम रही है, कैसे उत्साह में अपना ये त्योहार को मना रही है। तो अभी हम मेले के पास पहुंच चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोगों की आवाजाही लगी हुई है और आप हमारे पीछे रथ भी देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगी वो आपको रथ का विजुअल, रथ को जूम करके दिखाए। अभी रथ निकलने में तो समय है, रथ तैयार हो चुका है, पर रथ निकलने में समय है, अभी काफी समय है, हमें टाइम नहीं बताया गया है, पर रथ निकलने में समय है और आप लोगों की आवाजाही देख सकते हैं। दुकान लग के तैयार है, लोग आ रहे हैं, मेला में कितने उत्साह से लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खाने पीने को लेकर के दुकान लग चुका है, गोलगप्पा, चाउमीन और चूड़ियों वाले को देखिए आप कितने सुंदर सुंदर तरीके से ये चूड़ी का दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। आप प्रसाद का दुकान देख सकते हैं, यहाँ पर खिलौने वाले हैं, काफी लोग हैं और आम जनता भी मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे कि ये यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपको खड़े हुए हैं। नहीं, हम लोग अभी वैक्सीनेशन ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। वैक्सीनेशन ड्यूटी जी, हम लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। हम लोग का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है कंट्रोल रूम में, और जो भी कोविड के टीका लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोविड को लेकर भी है कि अगर जिनको कोविड का टीकाकरण लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पर पे तैनात किया गया है, कोविड टीकाकरण का भी यहाँ पर लगा हुआ है। आगे देखते हैं कि और क्या कुछ है, आइए आपको पूरे मेला में घुमाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पीने को लेकर के दुकान लग चुकी है, छोले भटूरे के दुकान लग चुके हैं और आप देख सकते हैं आम जनता बैठ करके ये छोले भटूरे को एंजॉय कर रही है और क्या कुछ का दुकान लगा हुआ है, मिठाइयाँ भी। और कहते हैं कि जगन्नाथ जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो उस टाइम पे एक मीठा ऐसा होता है बालूशाही जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, वो भी हमें आगे दिखेगा तो हम आपको दिखाते हैं ज़रूर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दुकान लगाए हुए हैं? हां दीदी, क्या कुछ कहेंगे? क्या भगवान दर्शन करने आए दीदी, और क्या आप सामान लेके बेचने आए हैं? हां दीदी। तो अभी तक बिका? अभी धंधे पानी नहीं दीदी, धंधा पानी नहीं है। ये मेला में आए फिर भी धंधा पानी नहीं है? नहीं है दीदी, क्या करें, नहीं है। पहले कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे दीदी, तो रुके थे मेला के लिए। मेला के बाहर से आए हैं? हां दीदी, बाहर से। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये नहीं हो पा रहा है, इनका बिक्री नहीं हो पाया अभी तक। तो जैसा कि आप देखा आपने सबकी बातों को भी सुना, आपने देखा भी कि लोग कोरोना को लेकर के प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। और आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर झूला लगा हुआ है और झूला स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मेला स्टार्ट हो चुका है, लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और लोग इस मेले को इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। लोगों में उत्साह देखने को मिला, कोरोना के 2 सालों के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जीएन भारत आपसे अपील करता है कि आप भी मेले में आइए और लेकिन कोरोना को प्रिकॉशंस लेते हुए, कोरोना का गाइडलाइंस पालन करते हुए आपको भी जीएन भारत भी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। रांची से सहयोगी शिखर शेख के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।